What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. आज मैं क्रीम ऑफ स्पिनच सूप बना रहा हूँ. विंटर्स में हमारे घर पे सूप कई तरीके के बनते हैं और ये बहुत ही एक रेगुलर रेसिपी है. रेस्टोरेंट्स में भी बनती है, बहुत डिलिशियस भी होती है, लेकिन मैं जब घर पे बनाता हूँ आई ट्राई टू मेक इट अ लिटिल हेल्दियर. तो ये कैसे बनाता हूँ और इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है और बहुत ही डिलिशियस लगती है. लेट्स डू दिस. हमारी गार्लिक फ्लेवर्ड स्पिनच प्योरी रेडी हो गई है. ये प्योरी यूज़ करके हम लोग सूप बनाने वाले हैं. मैंने पहले स्पिनच को ब्लांच किया. कई सारे लोग पूछते हैं कि ये ब्लांच क्यों करते हो स्पिनच को, तो दो कारण होते हैं. सबसे पहले तो कलर प्रिजर्व करने के लिए, जब आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल को जैसे स्पिनच को एकदम बॉइलिंग वाटर में डाल के कुछ सेकंड्स के लिए निकाल कर आइस वाटर में शॉक देते हैं तो उसका जो कलर है, ग्रीन कलर है, वो पॉप हो जाता है और रिटेन होता है. तो पहला कारण तो है. और दूसरा कारण, स्पिनच के ऊपर कई बार काफ़ी गंदगी होती है, तो गर्म पानी में जब भी आप डालते हो तो गंदगी भी निकल जाती है. सो इट्स लिटिल सेफर टू कंज्यूम दैट स्पिनच. तो इस कारण से ब्लांच ही है. मैंने आज उसे सौते क्यों किया है गार्लिक के साथ, क्योंकि वो जो गार्लिक का फ्लेवर है वो सौते करने से बहुत अच्छा आता है स्पिनच के साथ. और स्पिनच जब ब्लांच करते हैं उसका थोड़ा सौते कर लेते हैं तो उसके फ्लेवर्स भी थोड़े से एनहांस हो जाते हैं गार्लिक के साथ मिलके, इसलिए सौते किया. तो इस तरीके से मैं स्पिनच प्योरी तैयार करता हूँ, वो आपको मैंने बता दिए. अभी इस स्पिनच प्योरी यूज़ करके क्रीम ऑफ स्पिनच सूप कैसे बनता है वो देख लेते हैं.
हमारा क्रीम ऑफ स्पिनच सूप रेडी हो गया है और बहुत ही टेस्टी बना है। आपने देखा होगा मैंने कुछ कॉम्पोनेंट्स जो हैं यूजुअली जैसे क्रीम ऑफ स्पिनच सूप बनाते हैं कई सारे लोग वो व्हाइट सॉस बनाते हैं जैसे बटर और रिफाइंड फ्लावर यूज़ करके। मैंने आज ऑलिव ऑयल और गेहूं का आटा व्हीट फ्लावर यूज़ किया है। आप ओट्स फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो गेहूं के आटे की जगह पर, वो भी सेम काम करता है। बेसिकली वो जो थिकनेस है और रिचनेस है थोड़ी वो सूप को देगा। कई सारे लोग बिना व्हाइट सॉस के भी बनाते हैं सूप सिर्फ पानी ऐड करके, वो वाला जो तरीका है आपने एक बार प्योरे बना ली उसके बाद वेजिटेबल स्टॉक ऐड कर दिया है प्योरे के अंदर, उसको अच्छे से बॉईल कीजिए, सीजनिंग कीजिए उसकी और उसके बाद आप सूप पी सकते हैं। तो अगर आपको वो दूध वाला जो पूरा कंपोनेंट है वो नहीं डालना है तो उससे भी एक स्पिनच सूप बना सकते हो। वो क्रीम ऑफ स्पिनच सूप नहीं बनेगा, बेसिक स्पिनच सूप बनेगा पर वो भी बहुत डिलिशियस बनता है। तो आज मैंने क्रीम ऑफ स्पिनच सूप बनाया है एंड आई हैव ट्राइड टू मेक इट लिटिल हेल्दियर फॉर यू। तो इसी तरीके से आप बनाकर ये विंटर सीजन में सूप इंजॉय करो। मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस क्रीम ऑफ स्पिनच सूप एट योर होम। चीयर्स।